नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, इस चैनल पर वही खबरें दिखाई जाती हैं जो सच होती हैं, सटीक होती हैं, सही होती हैं। मैं कभी भी गलत खबरों को इस चैनल पर दिखाने का प्रयास नहीं करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सबसे अच्छी खबर की जो कि निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट की तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसे में उम्मीद दिखाई देती है कि यूपी में शिक्षकों की 50,000 से अधिक पदों पर रिक्तियां निकल सकती हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो राज्य सरकार इन पदों पर भर्ती करने की योजना बना रही है। वैसे तो 73,711 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, पर शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी बात करें तो दूसरी खबर जो निकल कर सामने आ रही है आप लोगों के लिए, वो है कि चयन बोर्ड ने गुरुवार को TGT कला के 391 शिक्षकों को कॉलेज आवंटन किया था, परंतु UPSC SSB ने प्रशिक्षित स्नातक कला के 8 शिक्षकों का कॉलेज आवंटन निरस्त कर दिया गया है। वहीं तीसरी खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो है TGT PGT रिजल्ट से रिलेटेड। दोस्तों, TGT का जो रिजल्ट है वो जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, यानी 5-6 तारीख में आपको TGT का रिजल्ट दिखाई दे सकता है। मैं हर रोज रात में बैठकर इस UPSC SSB की वेबसाइट विजिट करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जानकारी दी जा सके। 3-4 तारीख में देखा जाए तो PGT के 12 विषयों का परिणाम जारी किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर आप कॉलेज की लिस्ट देखना चाहते हैं तो अबाउट अस वाले कॉलम पर जा सकते हैं और यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माई फ्रेंड्स।